السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبون قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا کل آیت کی تلاوت ہو چکی تھی ترجمہ بھی آپ نے سن لیا دوران تقریر میں پھر آپ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سنیں گے ایک مختصر سی تمہید آیت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق سے خلقت کا ربط بہرحال باقی ہے مخلوق سے خلقت کا ربط بہرحال باقی ہے وہ شکر کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو وہاں کفران نعمت ہو یا شکر ہو کوئی بھی اس کی ابدیت سے خارج نہیں ہو سکتا کوئی اس کے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے کہ راہ الگ ہو جائے یہ اور بات ہے کہ معبود کی مرضی کے خلاف کوئی ربط ہے اور یہ ارتباط اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو آپ اس ارتباط کو فقط انسان کی حد تک پائیں گے جمادات نباتات حیوانات میں ایسا ارتباط نہیں ہے بلکہ وہاں تسبیح ہی تسبیح ہے عبادت ہی عبادت ہے جمادات عبادت کر رہے ہیں نباتات عبادت کر رہے ہیں
हैवानात इबादत कर रहे हैं और सब के लिए मंजिल कदरना है, यानी हमने मुकद्दर कर दिया है उनकी बंदगी को, उनकी तस्वीर को। फकत जिसको शऊर दिया गया, जिसको अकल दी गई, उसी के लिए ये कहा गया इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, रास्ता हमने बतला दिया है, चाहे शुक्र करे चाहे कुफर करे, बहरहाल ये उसकी मर्जी पर है। तो शुक्र व कुफर की राहों में सिवा इंसान के आप किसी और मखलूक को नहीं पाएंगे। बाकी सारी मखलूक अपनी जबान इस्तेदाद से तस्बीह माबूद में मसरूफ है। वहिन मिन शयिन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़हूना तस्बीहहुम, कोई शय ऐसी नहीं है जो अपने माबूद की तस्बीह न करती हो। फकत फर्क यही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। और इस तरह से इंसान ही एक ऐसी मखलूक है कि अक्ल पाने के बाद, शऊर को हासिल करने के बाद, वो अपने शऊर और अक्ल का इस्तेमाल अगर इस एहसास बंदगी के साथ करे कि मैं बज़ात खुद अपना आप खालिक नहीं हूं, किसी और ने मुझे पैदा किया है, अगर वो इस एहसास के साथ अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे कि मैंने खुद अपने को पैदा नहीं किया बल्कि किसी और की मर्जी से मैं पैदा हुआ हूं, तो वही जानेगा कि मौत भी उसकी अपनी मर्जी पर नहीं है बल्कि किसी और के हुक्म ही से उसको मरना भी है। तो जाहिर है कि जिसके हुक्म से पैदा हुआ है, जिसके हुक्म से मरना है, उसी के हुक्म पर उसको उठाया जाएगा और उसी के हुक्म से पूछा जाएगा कि तुमने हमारे अहकाम की तामील की कि नहीं की। इन सब चीजों को जानने के बावजूद अगर सिर्फ एक फरेब गैब इंसान को ईमान से हटा दे और ये इंसान महसूस करे कि जो नजर न आए उसको क्या माने, जो दिखाई न दे उसको क्या तस्लीम करें, जो महसूस न हो उसको कबूल कैसे करें, जिसको हवास न पा सकें उसके लिए बंदगी कैसे हो। अगर ये कह के जिंदगी को अपनी तईशात दुनिया की नजर करता है तो यकीनन वो गुमराही का शिकार होता है। जब वो गुमराही का आगाज करता है तो पहले तो उसका नक्शे लवामा उसकी मलामत करता है, मलामत करता जाता है कि ये नक्शे अम्मारा को काबू में रख। मगर जब वो नफ्से लवामा शिकस्त खा जाता है तो सरापा नफ्से अम्मारा रह जाता है और उसके बाद इंसान अब सरतापा मुजाहिमत बनकर रह जाता है, सरतापा मुजाहिमत बनकर रह जाता है, यानी खुद भी गुमराह है और जो रास्ते में आए उसको गुमराह करते हुए जाता है। वो अपना एक कबीला बनाता है, अपना एक ग्रोह बनाता है और इसी तरह से अपनी एक पार्टी की तश्कील देता है। और ऐसे तमाम ग्रोह जब एक जगह हो जाते हैं, ऐसी सारी जमातें जब एक जगह हो जाती हैं, तो एक बड़ा हिज्ब तैयार होता है, एक बड़ा लश्कर तैयार होता है और उस लश्कर की तैयारी का काम एक मखलूक अपने जिम्मे लेती है ये कहकर के ला तनकन ज़ुर्रियतहू इल्ला क़लीला, परवरदिगार आज तो मुझे तू निकाल रहा है जहन्नम से मगर इसकी औलाद को अब क़यामत तक बहकाता रहूंगा। तो इस तरह से पूरे इस लश्कर की सिपह सालारी, लश्कर की सरदारी एक के जिम्मे होती है और एक वो तय करते हुए जाता है कि अब हर जगह कोशिश इस अमर की करूंगा कि फकत रहे हक से हटाना नहीं है बल्कि रहे हक से इतना दूर ले जाना है ताकि वो खुद अपने मकाम पर एक मुजाहिमत बन जाए और फिर मुझे जहमत करने की जरूरत न हो, वो दूसरों को बहकाने लगे। तो
तो इसी मंजिल पर आपने नमरूद को देखा, हामान को देखा, आपने शद्दाद को देखा, फिरौन को देखा, फराइना यहीं परवरिश पाए, नमारेदा यहीं आए, और इसी तरह से बादशाह ने जबाबरा ने अपनी खुदाई और अपनी उलूहियत को मनवाना चाहा, मगर किस्सा यह था कि पहले तो शैतान ने उनको बहकाया और उसके बाद वो खुद अब इस काबिल हो गए कि सरगुरोह की जानशीनी करके खुद लोगों को बहकाने लगे, खुद लोगों को उस मंजिल पर लाए कि जहां से यह पता चले कि अब इसको किसी और शैतान की जरूरत नहीं है, यह सरापा शैतान बन चुका है, यह सरापा मुजाहमत बन चुका है, और इस तरह से शैतान के भी काम में सहूलत पैदा हो। तो ऐसी मंजिल पर आपने देखा कि सिवा इंसान के न कहीं शुक्र है न कहीं कुफ्र, तस्बीह उनकी फितरी है सिवा इंसान के जहां है, शऊर से शुक्र और शऊर से कुफ्र सिवा इंसान के और कहीं नहीं है। इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, तो यही वो मंजिल है जहां या قرب للحق है या बहुत अनिल हक है, या قرب للحق है कि अब हक से नजदीक होता चला, उसके हुक्म पर चलते हुए, उसकी मर्जी पर जबी साई करते हुए, उसके इशारों पर जिंदगी बसर करते हुए قرب की मंजिलों को तय करता चला और करीब होता चला, और इसी तरह कोई उसके उसकी मर्जी से दूर होकर, उसके इरादों से अलग होकर, उसकी नाफरमानी करके दूर होता चला। एक जगह कुर्ब की मंजिल है, एक जगह से बौद का हाल खुलता है कि अब यह बौद पैदा हो गया, चुनाचे कुरान मजीद ने साफ तौर पर कह दिया फबुदन लिलकौम जालमीन, फबुदन लिलकौम जालमीन, जुल्म करने वालों के लिए दूरी ही दूरी है। और दूसरे मकाम पर कहा अला लानतुल्लाह अलल कौम जालमीन, और जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत है। तो पता चला कि जो बौद की मंजिल पर आया वो लानत का शिकार हुआ, जो नजदीक हुआ वो रहमत के दायरे में आया। तो कुर्ब के साथ रहमत है, बौद के साथ लानत है, जितना बौद बढ़ता गया लानत ज्यादा होती गई, जितना कुर्ब बढ़ता गया रहमत ज्यादा होती गई, यहां तक कि कुर्ब कमाल पर पहुंचकर जब उसने अपना एक ग्रोह बना लिया कि मैं भी नजदीक, ये भी नजदीक, ये भी नजदीक, ये भी नजदीक, तो वो बना शजरे मुबारका, शजरे तैयबा, और वो दूर होकर जिसने अपना ग्रोह बनाया कि ये भी दूर, ये भी दूर, ये भी दूर, वो बना शजरे मलहूना। कल इसी पर बहस हो रही थी और इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम यहां पहुंच चुके कि कुर्ब लिलहक और बौद अनिलहक पर जिंदगियों का दारोमदार है, कौन कितना नजदीक है कौन कितना दूर है। विलायत के माना ही कुर्ब के हैं, वली यानी नजदीक, वली यानी नजदीक, अदू यानी दूर, अदू के माना ही लोगत में दूर के हैं, जो दूर हो जाए, अदावत दूरी, विलायत नजदीकी, कुर्बत। तो ऐसी मंजिल पर आपने देखा जहां विलायत है वहां अल्लाह का लश्कर है, जहां विलायत है वहां अल्लाह का लश्कर है। देखिए आयतें आपकी सुनी हुई हैं मगर मैं हाफिजे को ताजा कर रहा हूं। ये अल्लाह का लश्कर किस तरह से तैयार हुआ उसको देखिए, इरशाद हुआ अभी इस आयत को आप मुझसे सुन चुके हैं मगर मैंने तफसील से ये आयत नहीं पढ़ी थी, आज उसकी तिलावत की इज्जत हासिल कर रहा हूं। या अय्युहल लजीना आमनु मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज्ज़तिन अलल काफिरीन। ऐ साहिबान ईमान, अगर तुम में से कोई दूर हो जाए, इर्तिदाद इख्तियार करे और दीन को रद्द कर दे, तो अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जो कौम अल्लाह को दोस्त रखती है, अल्लाह जिस कौम को दोस्त रखता है।
ला यकाफून लौमत लाइम, उनको कोई मलामत करने वाले की मलामत नहीं डरा सकती। और उसके बाद बेअख्तियार यह आयत आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनु अल्लज़ीन युकीमूना अस्सलात व यूतूना अज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो साहिबान ईमान वली जो हालत के रुकू में ज़कात देते हैं और नमाज को कायम करते हैं। अब इसके बाद की आयत यह है, वह मैं यतवल्लल्लाह व रसूलुहु, अब जो अल्लाह से मोहब्बत करे, उसके रसूल से मोहब्बत करे, वल्लज़ीन आमनू, और साहिबान ईमान से मिला रखे, फहिज़्बल्लाहे हुमुल फइन्ना हिज़्बल्लाहे हुमुल ग़ालिबून, ये अल्लाह का लश्कर है, ग़लबा इन्हीं के लिए है। तो इस लश्कर की निस्बत अल्लाह ने अपनी ज़ात से दी कि ये मेरा लश्कर है, जो साहिबान ईमान से मोहब्बत रखे, जो रसूल से मोहब्बत रखे, जो अल्लाह से मोहब्बत रखे, वो एक शजर तैयार करता है, वो एक दरख्त तैयार करता है जिसकी बड़ी बड़ी शाखें हैं, जिसकी छोटी छोटी टहनियां हैं, जिसमें पत्ते हैं, जिसके रगों में मोहब्बत का पानी दौड़ रहा है, और वो शजर आबे मारिफत से सैराब होकर शजर मुबारका बनता है, शजर तैयबा बनता है। अब इसके बाद आयत के मानी पर आइए, कि इज कुलना लका, बनी इसराइल की आयत है, जबकि हमने तुझसे कहा, इज कुलना लका इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, कि अल्लाह मुहित है इंसानों पर, इनके दिलों की हालत को जानता है, इनके सिर अलन को जानता है, इनके जाहिर व बातिन को जानता है, कोई चीज ये हमसे छिपा नहीं सकते। इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास व मा जअलना रुयल्लती अरैनाका, और वो ख्वाब जो हमने तुझको दिखलाया वो कुछ नहीं था मगर इंसानों के लिए इम्तिहान, इल्ला फितनतन लिन्नास व शजरतल मलऊना फिल कुरान, और वो शजर मलऊना है कुरान में। तो एक मरतबा इस बात के मुतालिक भी जहन में रखिए कि कुरान में फकत मुबारक आदमियों ही का नाम नहीं है, फकत मसऊद इंसानों ही का नाम नहीं है, बल्कि कुरान मिसाल की मंजिल पर जब आता है तो उसमें शजरे मलऊना भी है, उसमें जजर मलऊना भी है, जहां सिलसिले से, जहां सिलसिले से अगर मुबारक बंदों के नाम आए तो सिलसिले से मलऊन बंदों के नाम भी आ सकते हैं, सिलसिले से मलऊन बंदों के नाम भी आ सकते हैं। मुबारक बंदों के नामों का तस्करा आपको मालूम है, इब्राहिम की गुफ्तगू है सूरह अनआम में, और जहां इरशाद होता है कि तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़ऊ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम वहबना लहू इसहाका व याकूब, हमने इब्राहिम को इसहाक भी अता किया, इसहाक को फिर एक बेटा दिया याकूब, और ये इब्राहिम थे नूह की औलाद में से, वह नूहन हदैना मिन कबल, और नूह की हम हिदायत कर चुके थे इससे पहले, वह मिन ज़ुर्रियत ही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिन सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुसा व लूतन कुल्लन फज़लना अलल आलमीन, अब यह शजर बना, व मिन आबाएहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तक़ीम, इनके आबा को, इनकी औलाद को, इनके भाइयों को हमने मुज्तबा किया, मुस्तफा किया, और आलमीन को फजीलत दी। और इनको यह हिदायत दी, लैन अशरकू लहबतानहुम मा कानू यअमलून, अगर इन्होंने अपने कार्य रिसालत में किसी को शरीक बनाया तो हफ्ते अमल हो जाएगा, वहीं यकफुर बिहा हाउलाए, और अगर इनकी कौमों ने इनसे कुफर किया, अगर इनकी उम्मतों ने इनसे कुफर किया, फकत वक्कल ना बेहा कौमन लईसू बेहा बे काफरीन, हमने कौम को इन पर वकील कर दिया है जो कभी कुफर करती ही नहीं। वही
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لوسو ليسوا بها بكافرين اگر یہ کافر ہو جائیں یہ قومیں تو ہم اپنے عنایت سے ایک قوم کو ہمیشہ ان پر نگہبان بناتے ہیں جو کبھی کفر نہیں کرے گی کبھی کفر نہیں کرتی اور ادھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے ظاہر ہے کہ اب جو صاحب ایمان مرتد ہوگا وہ اس قوم میں سے نہیں ہوگا جو انبیاء کی وکیل ہے ارتداد ناممکن ہے ارتداد ناممکن ہے میں نے ایک جملہ آج سے چار دن پہلے عرض کیا ہے ظاہر ہے کہ میرے سلسلہ کلام میں کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک آدھ جملے کو مجھے دہرانے کی تاکہ آپ حضرات کا حافظہ تازہ رہے اور آپ بھی گفتگو کے دوران میں اپنی نجی بحث کے دوران میں اس کو یاد رکھیں کہ مامون رشید نے امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ یہ آپ کی محبت ہم پہ کیوں واجب ہے یہ چار دن پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ کی محبت ہم پہ کیوں واجب ہے قربا کی محبت کیوں واجب تیرا مطلب کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آخر قربا کی وہ خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی محبت ہم پہ واجب کی گئی فرمایا قربا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیامت تک مرتد نہیں ہوتے تو قیامت تک ان میں ارتداد نہیں ہے ایمان ہی ایمان ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ شجر طیبہ تیار ہوا اور یہ بتلایا کہ من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم اور ادھر ارشاد ہوا وَنُرِيدُ بہت غور سے سنیے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے ہم ان کو امام بنا دیں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ہم ان پہ احسان رکھیں وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً ہم ان کو امام بنائیں وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ان کو وارث بنائیں ہم ان کو امام بنائیں ہم ان کو وارث بنائیں ہم ان پر احسان کریں اب دیکھیے شجرِ ملعونہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ تاکہ فرعون کو حامان کو اور ان دونوں کے تسمیہ کا صیغہ دونوں کے لشکر والوں کو قیامت تک یہ بتلائیں کہ امامت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے دیکھا آپ نے ایک جگہ جمع کر کے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جمع کیا ہے قارون کو فرعون کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ باطل کی طاقتوں سے گفتگو کرتے ہوئے سارے بتوں کو جمع کیا ہے اور اس طرح سے کہا ہے کہ دیکھو یہ ایک طرح سے جمع ہوتے ہیں لقد راہ من آیات ربہ الکبرا میرے حبیب نے تو اللہ کی بڑی نشانی کو دیکھا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى کیا تم نے لات کو دیکھا منات کو دیکھا عزا کو دیکھا تو وہاں بھی ایک کلیکشن تھا بتوں کا ایک مجموعہ تھا بتوں کا جو دلوں میں نہیں تھا دماغوں میں فقط نہیں تھا اللہ کے گھر میں تھا اللہ کے گھر میں تھا اور بہت دنوں رہا ابراہیم کو تو حکم ہوا تھا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین میرے گھر کو تم دونوں طاہر کرو طواف کرنے والوں کے ساتھ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے ابراہیم و اسماعیل تم دونوں جاؤ تم دونوں جاؤ طہرا تم دونوں کی یہ خدمت ہے ان دونوں نے اس گھر کو پاک کیا طاہر کیا اس وقت بت نہ تھے ابراہیم موحد ہیں ابراہیم موحد ہیں دنیا کو معلوم ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میں مشرق نہیں ہوں یہ ابراہیم کی دعا ہے ابراہیم کی دعا ابراہیم واحد ہے ابراہیم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اور اسماعیل کے ہٹ جانے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ ہمارے بزرگوں کے مجسمے ہم کو چاہیے
पत्थर की मूर्तें तराशी गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनको बुजुर्गी से खुदाई तक का एजाज दे दिया गया और ये कहा गया कि अब हम उन्हीं की परस्तिश करेंगे। और इस तरह से 366 खुदा उनके माबूद एक घर में आ गए। एक घर तो घर कोई अलाहदा नहीं था, घर कोई अलाहदा नहीं बनाया था इनके लिए। देखिए मैं जिस आयत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूं उस पर गौर करते जाइए। घर कोई अलाहदा नहीं बनाया था, उसी घर को जिसको इब्राहिम ने बनाया, जिसको बाप और बेटे ने ताहिर किया, वहीं बुद्ध भी आ गए, वहीं बुद्ध भी आ गए। और अल्लाह अकबर वो ज़ात वाजिब जिसका हिल्म इल्म के बाद काबिल जिक्र है, जिसका हिल्म इल्म के बाद काबिल जिक्र है और जो करीम है। और करीम की तारीफ यह है गफलतहु अम्मा यालम के जान के चुप हो जाए। करीम अल करीम गफलतहु अम्मा यालम के जो जाने और जान के चुप हो जाए, अपने को गाफिल बना ले। तो उस करीम ने यह तय किया कि मोहलत दो। देखिए मोहलत दो तो किसी मकाम पर बुअद अनिल हक पाने वाले अगर अल्लाह ही के घर में पनाह ले, अल्लाह ही के घर में पनाह ले और उनको बहुत दिनों मोहलत मिले तो कोई धोखा न खाए कि यह हक पर है। धोखा न खाए कि यह हक पर है इसलिए कि आंखों ने यह देखा, तारीख ने यह बतलाया, कुरान ने यह कहा कि उसी के घर में, उसी के घर में, उसी से दूर होकर बुतों ने अपना घर बनाया और इनको मोहलत मिली। मोहलत मिली यहां तक कि नबी खातम आया, नबी खातम आया और मदीने के 12 मक्के के 12 बरस गुजर गए, बुत न हटे। तो कोई ये नहीं कह सका कि कलेमा पढ़ने वाले आ गए, बुद्ध भी अपने मकाम पर बाकी हैं। इसलिए यह हक है, इसलिए यह हक है। नहीं नहीं, मदीने की जिंदगी के 8 बरस और गुजर गए, 20 बरस कामिल नबी की जिंदगी में गुजर गए, नबी की जिंदगी में गुजर गए। तो बड़े बड़े ईमान वालों के दिल मुनकलिब हो गए, इतना इंतजार के इंतजार की भी कोई हद, इब्राहिम से लेके खातम तक और खातम के 20 साल ये। और उसके बाद एक मरतबा 12,000 का लश्कर लेके नबी दर्राना मक्के में दाखिल हो गया। मक्के में दाखिल हुआ, लड़ाई नहीं हुई। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने अबू सुफियान को अपनी सवारी के पीछे बिठाकर और चुपके से रसूल के कदमों पर डाल दिया। जो बानी है बद्र का, जो बानी है ओहद का, जो मुमिद व मुआमिन है कैबर में, जिसकी का इश्तराक है खंदक में, सारी लड़ाइयों में जो शरीक है, अपोजिशन में है, वो आके कदमों वगैरह, आपने कहा अच्छा मैंने मुआफ किया, इस्लाम ला ले। तो उसने कलमा तो पढ़ा मगर वापस आके कहा अब्बास तुम्हारे भतीजे को तो अच्छा मुल्क मिल गया, बेख्तियार अब्बास ने कहा फिर वही, अरे कलेमा पढ़ चुका है अभी वही मुल्क, अभी वही मुल्क, अरे नुबुव्वत मिली है, नुबुव्वत मुल्क नहीं नुबुव्वत। उसने कहा मुझे तो मुल्क नजर आ रहा है। अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा,
अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा, कहा फिर आपके मुल्क कहा तो ये तलवार है, कहा नहीं नबूवत। ये एक वाकया बतला रहा हूं कि इस तलवार ने इस्लाम को रखा है इस घराने में। इसी के लिए मशहूर खुतबे सैयदा में जो फिदक का खुतबा है, शहजादी ने बेख्तियार कहा है कि तुम अपनी असलियत को देखो, तुम अपनी हकीकत को देखो, तुम क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह से बसर करते थे, तुम्हारी गिजा क्या थी, तुम्हारी पोशाक क्या थी, तुम्हारी आमदनी क्या थी, तुम्हारी जिंदगी क्या थी, ये सारी बातों को तुम सोचो, तुम्हारी तहजीब क्या थी, और उसके बाद मेरे शौहर की लड़ाइयों को देखो, उनके कताल को देखो, उनकी मुसलसल जहाद की कैफियत को देखो, और उस कैफियत को देखो कि इतनी तलवार चलाई वो फोह तुम बे कलमत इखलास, तुमने घबरा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम बे कलमत इखलास, तुमने घबरा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने देखा कि इस तरह से इस खौफ के मारे, इस खौफ तलवार से इस्लाम नहीं फैला, तलवार से इस्लाम नहीं फैला, अखलाक ही से फैला है, हम भी मानते हैं, मगर जहां जहां तलवार की धाक से कलमा जबान पर आया है, इस्लाम के फैलने पर गुफ्तगु नहीं है, जो मुस्लिम हुआ है सिर्फ डर के मारे, उसने बजाहिर इस्लाम को छोड़ा नहीं, वो लपट गया इस्लाम से, वो लपट गया इस्लाम से, और ये बतलाने के लिए कि जितना इसे लिपटते जाओ फायदा ही फायदा है, जंग में जाओ कोई और लड़ेगा, गनीमत का माल इनके लिए, घर में बैठो सदकात आ रहे हैं, तोहफे आ रहे हैं, वो अलग अताया पहुंच रहे हैं, तो ऐसी हालत में कोई इस्लाम को छोड़ के फिर जाहिलियत की तरफ जाएगा भूखे मरने के लिए, तो सब आए, सब आए, और 12,000 का लश्कर लेके रसूल पहुंचे, अबू सुफियान तो गिर पड़ा खत्म, मगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ, मकसद पूरा नहीं हुआ, बे अख्तियार भाई को लेके भाई खाने काबा में दाखिल हुआ, और एक मरतबा आपने कहा कि आओ आओ आज तथहीर कर दें खाने काबा, या इब्राहिम ने ताहिर किया था या फकरे इब्राहिम, बुतों को तोड़ना शुरू किया, यहां तक के हर बुत को तोड़ा तो उसके माना ये हर कबीले से दुश्मनी मोल ली, हर बुत को तोड़ा हर कबीले से दुश्मनी मोल ली, वो कबीला अगरचे बाद में मुसलमान हुआ मगर दिल में बात रह गई हमारे खुदा को तोड़ा था, और उसके बाद जब हुबल की बारी आई तो हुबल के तो सारे कबाइल मानने वाले थे, एक का तोड़ना क्या था, सारे कबाइल से दुश्मनी लेनी थी, सारे कबाइल को दुश्मन बनाना था, ऐसे मौके पर फिर एक मरतबा फातह कैबर, फातह बदर, फातह हुनैन, फातह उहद, शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सोने वाला भाई को याद आया, कि या अली मेरे कांधे पर सवार, मैंने कभी इस वाकये को बयान किया है मगर इसलिए कि फकत आप अपने इस सिलसिले फिक्र में बहुत ही मोहतात महफूज और मुसलसल रहें। देखिए एक अजीब बात, वो करीम है जानकर चुप हो जाता है, एक बेहतरीन मौका आया था इस घर को पाक कर देने का हमेशा के लिए, एक बेहतरीन मौका आया था, और वो मौका था जब एक मरतबा असहाबे फील ने हमला किया, असहाबे फील ने हमला किया, क्या आया लश्कर लेके आया, हाथियों को लेके आया, और खाने काबा पे आया,
खाने काबा तो अंदर तो बुत थे ना, अंदर बुत थे, अल्लाह को क्या जरूरत थी अपने घर को बचाने की। अंदर तो बुत थे, खामोश हो जाता, असादे सी जाते, खाने काबा को ढेर कर देते, मकान की जड़ों को और बुनियादों को खत्म कर देते, जाते तू अपना घर फिर बना लेता। अरे तू अपने घर का कोई मोहताज तो था कि वही करो पैगंबर बना देते फिर कोई घर, इब्राहिम ने जैसे बनाया था मोहम्मद अरबी बना देते। मोहम्मद अरबी बनाए थे नहीं, घर मेरा है, घर मेरा है, ये बुत है रहने दो, रहने दो, ये आरजी है। ये हमारी रहमत से दूर है मगर रहने दो, हमारी मसलहत है, हमारी मसलहत। इनको अगर तोड़ना है तो फिर काफिर के हाथ से नहीं तोड़वाऊंगा। इनको अगर तोड़वाना है तो हबशा की हुकूमत से नहीं तोड़वाऊंगा, असाबे फील से नहीं तोड़वाऊंगा। लश्कर असाबे फील का आया और सूरह मौजूद अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबे फील, अजाब आया, अब अबील कंकरियां लेकर आए, इस तरह से कंकरियां फेंकी कि ऐसा मालूम होता था कि हर एक संगरेजा उनके लिए कातिल बन रहा है। लश्कर घबरा के भागा, खाने काबा महफूज हो गया और दुनिया यही कहती रही, दुनिया यही कहती रही कि देखो कैसे बचा लिया, कैसे बचा लिया बुतों ने। बुतों ने कैसे बचा लिया, हुबल ने कैसे बचा लिया, असहाबे फील आए और शिकस्त खा के गए। हालांकि हालांकि उनका हाकिम जब अब्दुल मुत्तलिब से बातें कर रहा था तो अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा था कि तुम्हारे लश्कर के आदमी मेरे ऊंटों को ज़िबह कर रहे हैं, मुझे या तो ऊंट वापस किए जाएं या उसका रुपया दिया जाए। कहा आप भी अजीब आदमी हैं, आप कबीले के सरदार हैं, कबीले के बुजुर्ग हैं, मैंने अल्लाह के घर का मुहासिरा कर रखा है, आपको ऊंटों की फिक्र है। कहा मैं ऊंटों का रब हूं, उसका रब कोई और है। अना रब्बुल इबल, मैं पालने वाला हूं मेरे ऊंटों का, इस घर का रब कोई और है, वो बचाएगा, वो बताएगा। तो लश्कर के सरदार को यह मालूम था कि अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं, मगर जब असहाबे फील अजाब में परेशान होकर भागे तो इनके दिलों पे एक और भी मोहर जम गई कि देखा बुतों का एजाज, देखा हुबल का एजाज, देखा और अच्छी बंदगी होने लगी और खुलूस से सजदे होने लगे और नजरें चढ़ने लगी और भीटे आई, मगर जाते वाजिब की मसलहत कौन जाने। वहां तो यह तय हुआ था कि अगर ये मेरे ऑपोजिशन में है तो ये मसलहत नहीं है, यह मसलहत नहीं है कि बाहर से कोई लश्कर आए और इनको खत्म करे, नहीं, इनको अगर खत्म करना है तो फिर मेरा ही नाम लेके खत्म करना पड़ेगा। मेरे ही घर वाले आएंगे, मेरे ही घर वाले आएंगे। और फिर भाई ने भाई को कांधे पे चढ़ा के बतलाया कि इस घर के बुतों को वही तोड़े जो इस घर में पैदा हुआ। घर के बुत
नेमतों को वही तोड़े जो इस घर में पैदा हो, और उसने एक मर्तबा हुबल को गिराया, हुबल को गिराया और दस्त खुदा ने हुक्म खुदा से रसूल खुदा के कांधे पर चढ़ के और उधर ये बतलाया गया कि अगर हम चाहते तो असहाबे फील से इन बुतों को तोड़वाते और इस पूरे घर को गिरवा देते, दूसरा घर बनवा दे, मगर नहीं नहीं, हमारी मसलियत ये थी कि दुनिया ये जान ले कि जिसने घर बनाया उसी शजरे से कोई आएगा, उसी शजरे मुबारका से कोई आएगा, उसी शजरे मुबारका से कोई आएगा और वही खत्म करेगा, वही खत्म करेगा। तो 2000 बरस कामिल या उससे भी कुछ ज्यादा बुतों की हुकूमत इस घर पे रही, अल्लाह की खुदाई में कोई फर्क नहीं आया। तो अगर सदियां किसी को गुजर जाए तो हिम्मत में किसी की फर्क ना आए, अज़्म में किसी की फर्क ना आए, ईकान और ईमान में किसी के फर्क ना आए, इसलिए कि ये सुन्नत इलाही यही है, सुन्नत इलाही यही है। इंतजार उसका है जो बुत शिकन हो, इंतजार उसका है जो बुत शिकन हो, यमलो लार्द किस्तों व अदलाओ, कमाओ मुले अज़ुल्म व जौराओ, जमीन को किस्त अदल से मामूल कर देगा जैसे कि वो जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। तो अब आपने देखा, आपने गौर किया कि जहां वो परवरिश करे पाले उसकी रहमानियत मोहलत पे मोहलत दे, एक एक नबी आए एक एक नबी जाए, बुत अपने मकाम पर रहे और पूरे अरब के लिए एक मरकज हो जाए, एक मरकजी बुतखाना हो जाए, अल्लाह का घर घरवाला देखता रहे और घरों में बुतों की हुकूमत हो, तो क्या बात है। जब उसका ये आलम है, जब उसका ये आलम है, जब उसका ये आलम है कि चुप है, तो जाहिर है उसका मजहर भी ऐसा ही होगा। देखिए गुफ्तगू यहां तक पहुंची, मैं फिर वापस जा रहा हूं अपने पहले जुमले पर। कुर्ब, कुर्ब वली के लिए कुर्ब, अदू के लिए बोझ। शजरे तैयबा कुर्ब कमाल, शजरे मलऊना कामिल बोझ, दूर दूर बहुत बहुत, ये बहुत करीब। जो बहुत करीब वो किसी न किसी इस्म का मजहर, मेरे सिलसिले कलाम पर नजर रहे, किसी न किसी इस्म का मजहर। आदम एक इस्म के मजहर है, नजदीक है। नूह एक और इस्म के मजहर है, नजदीक है। इब्राहिम एक और इस्म इलाही के मजहर है, मूसा एक और इस्म इलाही के मजहर है, ईसा एक और इस्म इलाही के मजहर है। मगर जो इतना नजदीक हो जाए, इतना नजदीक हो जाए, वो तमाम अस्मा का वाहिद मजहर होता है। इसलिए भाई ने भाई को देख के कहा, अगर आदम को इल्म में देखना हो, नूह को पहल में देखना हो, मूसा को हैबत में देखना हो, अय्यूब को सब्र में देखना हो, फल मेरे पास वक्त नहीं है। सारे उलमा अहले सुन्नत वल जमा ने इस हदीस को नकल किया है, इस हदीस को सारे उलमा अहले सुन्नत वल जमा ने नकल किया है कि जब वो हदीस जामे कहते हैं इसको, कि सारे खुसूसियात को एक जगह जमा करके कहा, यह मजहर असमाए इलाही है, यह मजहर असमाए इलाही है। बहरहाल बहरहाल बहुत ही दरमियान से आज तकरीर को रोकना पड़ा, वक्त करीबुल खत्म है और जाहिर है कि मैं 20वीं शब यह तकरीर कर रहा हूं। इसलिए सिर्फ एक बात, वो बात यह
کہ خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک، خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی، خدا والے کا کعبے سے سفر کوفے کی مسجد تک اشارہ ہے کہ تھی کل زندگی معراج جسمانی، کوفے کی مسجد میں علی اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، حسن مشتبہ نے زخمی سر کو کس کر باندھ دیا ہے، کس کر باندھ دیا ہے، علی محراب خانے محراب مسجد کوفہ میں ہیں اور مسجد کوفہ سے مٹی کو اٹھاتے جا رہے ہیں، اپنے زخم پر ڈالتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں فزت برب الکعبہ، دیکھیے میرے لفظوں پر غور کیجئے، فزت برب الکعبہ، کوئی اور نام نہیں لیا، کعبے کے رب کی بارگاہ میں فائز ہو گیا، مسجد کوفہ میں بھی کعبہ یاد ہے علی کو، وہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا، کعبے کے رب کی بارگاہ میں فائز ہو گیا، مسجد کوفہ میں بھی کعبہ یاد ہے علی کو، وہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا، میں جس کی تلاش میں تھا وہ چیز مل گئی، مجھے جس کی تمنا تھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کو غنیمت کے مال کی ضرورت نہیں ہے، عمرو بن عبد داؤد کو جب مار کے واپس آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا علی تم نے کیا کیا، ارے سارے عرب میں اس سے زیادہ قیمتی زرہ نہیں ہے، آپ نے اس کا جسم پہ کیوں چھوڑ دیا اس زرہ کو، تو مسکرا کے کہنے لگے ارے کیا کرتا، میں نے دیکھا کہ زرہ کو اپنے پیران سے اسے سی لیا ہے، علی کو شرم آئی کہ میں اپنے دشمن کو میدان جنگ میں برہنہ کروں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جس نے اپنے دشمن کو جس نے ذلیل نہ ہونے دیا، جس نے اپنے دشمن کو ذلیل نہ ہونے دیا، اور اس کی بہن جب آئی ہے عمرو بن عبد داؤد کے میدان میں تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے روتی کیوں نہیں ہے، کہا کیوں رو، کوئی اور مارتا تو روتی، ارے کفوے کریم نے مارا ہے، کفوے کریم نے مارا ہے، میں کیوں رو، وہ علی ہجرت میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ہنین، وہ علی جمل میں، صفین میں، نہروان میں، وہ علی جو آج تک ہر گرنے والے کے ساتھ، ہر تڑپنے والے کے ساتھ، ہر یتیم کی زبان پر جس کا نام، ہر بیوہ کی فریاد جس کی بارگاہ، وہ علی زخم پر سر ہاتھ رکھے ہوئے بار بار کہہ رہا ہے وہ فستو میں رب الکعبہ، کعبے کی قسم، کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا، حسن مشتبہ نے کہا بابا نشان بتائیے کس نے آپ کو قتل کیا تاکہ ہم جائیں اور اس کو لائیں، فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، باب کندہ سے قاتل آ رہا ہے، باب کندہ سے قاتل آ رہا ہے، ادھر آپ کو معلوم ہے پہلے دن میں نے کہا تھا کہیں کہ حذیفہ یمانی کو جب ان کی بیوی نے چونکایا، حذیفہ کیا سوتے ہو، مسجد سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ قد قتل امیر المومنین، حذیفہ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا چلا کوفے کی گلیوں میں پہنچا اور دیکھا کہ بازار سنسان ہے، دروازے گھروں کے بند ہیں، فقط ایک
بدوی عرب ہے جو ایک طرف بھاگے جا رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا اخل عرب تو نے اس آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے علی قتل کر دیے گئے؟ کہا میں نے نہیں سنا, مجھے نہیں معلوم, مجھے ایک ضروری کام ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نزدیک پہنچا, ہوا نے اس کے دامن کو اڑایا, دیکھا تلوار سے لہو کی میں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کو روک رکھا فریاد کی. لوگوں نے پکڑ لیا اور بابے کندا سے ہم داخل ہوئے. لوگوں نے کہا یا علی آپ سچ کہتے تھے, قاتل بابے کندا سے آ رہا ہے. عبد الرحمان ابن ملزم کو لیے ہوئے حذیفہ یمانی جب سامنے آئے تو مولا نے ایک مرتبہ اب عبد الرحمان ملزم کے چہرے پر نظر کی اور کہا عبد الرحمان آ کر وہی ہوا نا جو میں کہتا. ابن ملزم آخر وہی ہوا نا جو کہتا تھا, بار بار کہتا تھا میرے بچوں کو یتیم رکھو, بار بار کہتا تھا عبد الرحمن میرے بچوں کو یتیم نگر, میں مدینہ میں نہیں ہوں کوفہ میں ہوں. اور اس کے بعد جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ایک سوال اور کیا, کہا عبد الرحمن کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے کوئی برائی کی؟ پھر بھی وہ چپ ہو. حسن مشتبہ سے کہا بیٹا اس کو روک رکھو, کوئی سزا نہ دو, اس کے ہاتھ نہ باندھو, اس کی مشکیں نہ کسو, صرف اس کو علیحدہ بند کر دو مگر اس کو غذا دیتے رہو. اگر میں بچ جاؤں تو فیصلہ میرے ذمہ ہو, نہ بچوں تو تم کو اختیار. اور یہ کہہ کے کہا حسن تمہارے باپ سے چلا نہیں جاتا, حسن کوئی کمبل لاؤ, کوئی کلیم لاؤ. فاتح خیبر, فاتح حنین آج چلا نہیں جاتا. بیٹوں نے کلیم بچھائی, علی ابن ابی طالب کو کلیم پر بٹھایا, بیٹوں نے کلیم اٹھائی. اللہ اس شان سے فاتح خیبر مسجد سے چلے, اس شان سے فاتح خیبر مسجد سے چلے. یا علی آپ کے کوفے کے مسجد سے جانے پر آپ کی ایک ایک جنگ یاد آئی, آپ کا ایک ایک حملہ یاد آیا کہ آپ کس طرح سے چلتے تھے, کس طرح سے آپ سیر کرتے تھے جنگ کے میدان میں. مگر گلیم میں اٹھایا گیا, تین ہستیاں ہیں جن کو گلیم میں اٹھایا, ایک علی, دوسرے موسیٰ بن جعفر غریب بغداد کہ جن کو ہم مالوں نے کمبل میں اٹھایا, اور تیسرے جب قاسم کا جنازہ راؤنڈ ڈالا گیا تو حسین نے ابا بچھا دی اور ابا میں زحمت دی. ظاہر ہے آپ سننے والے مجھے معاف کریں, جہاں کہیں بھی آواز جا رہی ہو مجھے معاف کریں, آج علی ہمارے مہمان ہیں. آج جس علی کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے, آج وہ علی دو شبوں کا اور مہمان ہے. گلیم کو اٹھایا, گلیم کو اٹھایا, محراب مسجد سے سفر شروع ہوا, صحن مسجد تک آئے. جو اب تک زیارت نہیں کر سکے ہیں خدا ان کو زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے, خود میں نے اندازہ کیا بڑی دیر لگی ہوگی محراب سے صحن تک آنے میں, بڑی مسجد ہے. گلیم میں آئے, جب صحن میں پہنچے تو کہا رک جاؤ حسن, رک جاؤ. سواری رکی اور یہ کہہ کے علی قبلہ رو ہو گئے.
زخمی پیشانی کو صحن مسجد پر رکھا کہ خداوندہ تو قیامت میں گواہ رہنا جب انبیاء مرسلین کھڑے ہوں جب ملائکہ مقربین کھڑے ہو تو گواہی دینا میرے مالک کہ علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی یہ کہہ کے کہا گلیم اٹھاؤ گلیم اٹھاؤ اور دروازے مسجد کے پاس پہنچے تو حسن کو بلا کے کہا حسن حضرت عدی کو بلاؤ حضرت نے عدی آئے صحابہ خاص سے ہیں امیر المومنین کے کہا حضرت تمام اصحاب کو میرا سلام کہنا سب کو میرا سلام کہنا میں ابھی پھر بلا لوں گا حضرت اب میرے گھر تک نہیں آنا میری بیٹیاں دروازے پہ آ گئی اب میرے گھر پہ نہ آؤ فاطمہ کی بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں